वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज एकेसी टेक्निकल क्लासेस। सो बहुत ही हाई जोश के साथ में, पता है आपको क्या चल रहा है आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन, ये टॉपिक चल रहा है अप्लाइड फिजिक्स में। ये सेशन लगभग आपका पांचवा सेशन है, तो इसमें आपका हृदय पूर्वक अभिनंदन करते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर एंटरिंग हियर एंड ज्वाइन टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके। एंड प्लीज शेयर दिस सेशन टू योर नीडी फ्रेंड्स हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर योर अप्लाइड फिजिक्स। दिस इज वेरी कॉन्वेंशियस टॉपिक, कॉन्वेंशियस क्लासेस फॉर योरसेल्फ एंड कोलैबोरेटिव सेशंस, एंड इट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर नॉलेज इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एज वेल, ओके। सो प्लीज कंप्लीट दिस टॉपिक्स एंड गो फॉर प्रीवियस सेशंस विच आई हैव कवर्ड, यू नो, कम्प्लीटली, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने कंप्लीट आपके करवा दिए हैं अभी प्रीवियस, उनको भी जाके कवर कर लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए तरंग दैर्घ्य, इसमें क्या है आपका बैकएंड, आपका वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तरंग गति और उसके जो है महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं उनको आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। विशेषताएँ तो आपको क्या पढ़ना है इसमें, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बता दिया, वेवलेंथ बता दिया, एम्पलीट्यूड बता दिया, फ्रीक्वेंसी बता दिया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बता दिया, वेवलेंथ बता दिया और टाइम पीरियड बता दिया। इतना मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन को मैंने आपको बता दिया, जो भी बचे हुए थे उनमें मैं कवर कर रहा हूं आपका। तो इसमें तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति तथा आवर्तकाल के बीच में जो संबंध होता है उसको सब समझिए। सबसे पहले तरंग दैर्घ्य लैम्डा से डिनोट करते हैं, आवृत्ति स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं या ईटा या फिर न्यू से, और आवर्तकाल कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो इसमें आपको डिफरेंस पता होना चाहिए दोनों के बीच में, रिलेशन पता होना चाहिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू टी। वी क्या होता है आपका, वेलोसिटी होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और आवर्तकाल, सॉरी आवृत्ति यहाँ पर न्यू दिया हुआ है, ठीक है, न्यू वी नहीं है आपका, ये आपका न्यू है, ठीक है, न्यू इसको क्या बोलते हैं, न्यू, नया वाला न्यू करके बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, ये हो गया आवर्तकाल टाइम पीरियड, और ये हो गया लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य, लैम्डा फॉर वेव लेंथ, ठीक है। तो इनके बीच में जो संबंध होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू टी होता है, क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू न्यू टी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल्स टू न्यू टी, तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपका तो रिलेशन हो ही गया। अब आगे चलते हैं, संचरण नियतांक क्या होता है, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में मैंने कंप्लीट करवाया था, एक वेव पीरियडिक मोशन का एक जो इक्वेशन था वेलोसिटी वाला, वो मैंने डेराइव करवाया था, उसमें कांस्टेंट आया था प्रोपेगेशन, तो कांस्टेंट स्मॉल के आया था, तो उसको मैं कवर कर रहा हूं यहां पर। देखिए प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है आपका, देखिए यदि प्रोपेगेशन कांस्टेंट क्या होता है, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर संचरण नियतांक या कोणीय तरंग संख्या कहलाती है, संचरण नियतांक या कोणीय तरंग संख्या कहलाती है, ठीक है। तो मतलब क्या है, देखिए समझिए, किसी एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य कलांतर, कणों के मध्य कलांतर मतलब एकांक दूरी पर स्थित, एकांक दूरी मतलब एक मीटर ले लिया, एक सेंटीमीटर ले लिया हमने, एकांक मतलब कोई भी एक यूनिट ले लिया, मीटर हो, सेंटीमीटर हो, फुट हो, पाउंड हो, कुछ भी हो। तो ये क्या हो गया, एकांक दूरी पर स्थित कणों के मध्य संचरण नियतांक कोणीय तरंग संख्या कहलाता है। इसे स्मॉल के से प्रदर्शित करते हैं, केज कुछ होता है 2π अपॉन लैम्डा क्या होता है, लैम्डा, इसका मात्रक होता है रेडियन प्रति मीटर, रेडियन मीटर इनवर्स। रेडियन क्या होता है आपका, रेडियन क्या होता है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। रेडियन क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाई दिया हुआ है, पाई मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंगल है, कुछ फेज है। तो एंगल को आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, पहला अंश में, दूसरा रेडियन में। तो अंश जो होता है वो हर जगह अलाउ नहीं होता, रेडियन हर जगह पे आप अलाउ कर सकते हैं, तो रेडियन हमने ले लिया यहाँ पर। तो रेडियन टू पाई हो गया फेज, और लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ, हो गया वेवलेंथ यानी दूरी, दूरी मतलब दूरी को आप किस में नापेंगे, एसआई पद्धति में मीटर लिया जाता है, तो हमने यहाँ पर मीटर ले लिया, यानी रेडियन प्रति मीटर, नीचे मीटर दिया हुआ तो रेडियन प्रति मीटर होगा, मीटर को ऊपर लेकर जाएंगे तो मीटर के पावर 1 है, तो यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, रेडियन मीटर इनवर्स। तो चाहे ये हो जाएगा आपका और चाहे ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर एक्स दूरी पर कणों के मध्य कलांतर निकालना है आपको, एक्स दूरी पर कणों के मध्य कलांतर, मान लीजिए कोई भी वेव है तो ऐसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी है एक्स, तो इनके मध्य कलांतर निकालना है आपको, कला का अंतर, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस को आप किससे डिनोट करते हैं, डेल से। क्यों यहाँ पर डेल्टा मैंने क्यों लिया, डेल्टा मैंने
देखिए आप डिफरेंस निकालना है आपको, डेरिवेटिव किसी भी चीज़ का निकालना है, डिफरेंस निकालना है, तो उसको आप डी से डिनोट करेंगे, कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, डेल्टा से डिनोट करेंगे, स्मॉल डेल्टा से डिनोट करेंगे, इतने चीज़ होते हैं इसको, डिफरेंस को डी से या फिर स्मॉल डी से या फिर कैपिटल डेल से या फिर स्मॉल डेल से, ये वेरी स्मॉल डेल बोला जाता है, तो इतना चीज़ हो गया ठीक है। डेल्टा कैपिटल डेल्टा सबसे स्मॉल और सबसे स्मॉल ये हो गया, ये तो डिफरेंस कैपिटल डी हो गया, तो इतना चीज़ होता है, तो उसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कभी कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होगा तो उससे आप घबराइएगा मत, क्योंकि डेल फाई ये भी होगा, डेल फाई ये भी होगा ठीक है। ये मेजर डिफरेंस कवर करने के लिए ये चिन्ह यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया डेल्टा फाई इजिक्वल्स टू कला का अंतर लिया गया है, यानी डेल्टा फाई जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा फाई आपका हो जाएगा, डेल्टा फाई इजिक्वल्स टू हो जाएगा फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू माइनस फाई वन। तो फाई टू माइनस फाई वन क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कला अंतर। अब कला अंतर हो गया फाई टू माइनस फाई वन डेल्टा फाई ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे टू पाई अपन लेमडा ठीक है, पता है आपको टू पाई अपन लेमडा होता है, और इनटू एक्स ले लिया हमने। क्यों ले लिया, क्योंकि एक्स दूरी लिया है हमने, एक्स दूरी के बीच में कला का अंतर निकाला है, तो हमने यहाँ पर एक्स से गुणा कराया, और इसका मान क्या होता है, के होता है, इसका मान क्या होता है आपका, के होता है, तो यहाँ पर के एक्स मैंने गुणा करा दिया ठीक है। अब इसी प्रकार डेल्टा टी समांतर कला अंतर, अगर डेल्टा टी समांतर के सापेक्ष कला का अंतर के सापेक्ष डेल्टा टी समांतर में, समांतर मतलब समांतर क्यों लिया, समय क्यों नहीं लिखा हमने, समय का अंतर है यहाँ पर, डेल्टा लिया गया है, इसका मतलब जैसे मान लीजिए कड़ यहाँ पर था, कड़ यहाँ पर था, ऐसे मूव करने में कड़ यहाँ पर था, फिर यहाँ पर पहुँच गया, फिर यहाँ पर आ गया, तो यानी कि यहाँ समय कुछ और था, यहाँ पर समय कुछ और होगा, तो डेल्टा टी लेंगे, यानी उन दोनों के समय के बीच का अंतर निकाल लेंगे, तो जो अंतर आएगा वही समांतर कहलाएगा। और अगर डेल्टा टी हमने समांतर ले लिया तो कला का अंतर कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई इंजिकल टू पाई पान टी, टू पाई पान टी इंटू डेल्टा टी, ये हो गया आपका। तो इसको आपको याद रखना है, ये दोनों रिलेशन आपको याद रखना है। फिर आगे चलते हैं, वेव वेलोसिटी क्या होता है, वेव वेलोसिटी आवश्यक विस्थापन के बिना ऊर्जा का प्रसार ही तरंग गति कहलाता है, यानी कि आवश्यक डिस्प्लेसमेंट के बिना ऊर्जा का प्रसार ही, जैसे एक कण जो है कण अपने ही स्थिति पे रहकर मूव करे, मोशन करे, उसका डिस्प्लेसमेंट जो है ना हो, यानी कण अपने ही अवस्था में रहे, वो इधर से उधर मूव ना करे, अपने टू एंड फ्रो ना मूव करे, वो अपने ही ऊपर नीचे अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करे, तो एक कण से दूसरे कण तक एनर्जी ट्रांसमिट होगी, एनर्जी मतलब ऊर्जा ट्रांसमिट होगी, प्रसारित होगी, दूसरे कण से तीसरे तक कण तक होगी, तो ऐसे ऐसे ठोस में ऊर्जा क्या हो जाती है, एक कण से दूसरे कण तक प्रसारित होती चली जाती है। तो तरंग गति क्या होती है, आवश्यक विस्थापन के बिना ऊर्जा का प्रसार ही तरंग गति कहलाता है, यानी कि आपका जो ऊर्जा का प्रसार होगा वो कण के विस्थापन से नहीं होगा, जबकि ऊर्जा का प्रसार संभव हो सके बिना किसी कण के विस्थापन के। तो तरंग गति या आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, यू हैव टू लर्न दिस ठीक है। अब चलिए तरंग गति हमने वी ले लिया, आवृत्ति को हमने ले लिया स्मॉल एफ, और लैम्डा को लैम्डा ले लिया ठीक है। अब अगर तरंग गति है यानी वेव वेलोसिटी है, तो उनके वी एफ और लैम्डा के बीच में रिलेशन निकालना है हमको। तो माना कोई कण कंपन करने में एक चक्कर जब पूरा करता है तो वो कितना दूरी तय करता है, लैम्डा दूरी तय करता है। एक चक्कर पूरा करने में उसने कितना समय लिया, कैपिटल टी समय लिया, तो वो आवर्तकाल हो गया। कितने स्पीड से तय करता है, कोई भी कण मूव कर रहा है तो कितने स्पीड से मूव कर रहा है, वो क्या हो गया आपका, वी हो गया, उस कण का क्या हो गया, वेग हो गया ठीक है। तो आपको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है, इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर यहाँ पर तरंग के लिए बात करेंगे तो तरंग की चाल कितनी हो जाएगी, यानी तरंग की वेलोसिटी, तरंग वेव हो जाएगा, तरंग की चाल क्या हो जाएगी, तरंग वेव हो जाएगा। और दूरी क्या, तरंग ने कितना दूरी तय किया चलने में, तो लैम्डा दूरी तय किया, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एक चक्कर पूरा करने में लगा समय क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा हो जाएगा, यानी तरंग दैर्ध्य हो जाएगा, तो लैम्डा दूरी तय किया। अब समय कितना लगा, आवर्तकाल कैपिटल टी लगा, तो वी इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी आपको निकल आया यहाँ से रिलेशन। अब ये पता है आपको सिंपल, किसी भी चीज़ के मोशन के लिए आपको पता है, हमेशा पता है कि फिजिक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप यही पढ़ते हैं। फॉर वेव वेलोसिटी के लिए तरंग वेव, तरंग दूरी अपन तर लिया गया समय, तो दूरी लैम्डा तय किया और समय कैपिटल टी लिया गया। तो आपको पता है एक चीज़ और, कि जो कैपिटल टी होता है वो फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है। क्यों अपोजिट होता है, जैसे कि आपका फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी आपकी होती है किसी भी कण द्वारा एक चक्कर, एक सेकंड में जितना चक्कर लगाया गया,
वही क्या हो गया आपका, फ्रीक्वेंसी हो गया। अब वहीं पर अगर बात की जाए आपके आवर्तकाल की, तो आवर्तकाल क्या होता है, कण के एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगा, उसमें क्या था, समय दिया गया था 1 सेकेंड, उसमें कितना चक्कर लगाया, फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या है, इसमें है आपका एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगा वो हो गया आपका आवर्तकाल। आवर्तकाल जस्ट अपोजिट टू द फ्रीक्वेंसी। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, द आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्तकाल व्युत्क्रमानुपाती होगा आवृत्ति के, यानी आवर्तकाल आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होगा। समझ में आ गया आपको? तो यहां से वेफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी हो गया, तो अगर एफ इज इक्वल टू वन अपॉन टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन अपॉन एफ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? इसी चीज को उठा के आप इसमें पुट कर दीजिए, पुट करेंगे तो चूंकि पता है वी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी होता है, टी की वैल्यू रखेंगे वन अपॉन एफ आ गया, टी की वैल्यू क्या है, वन अपॉन एफ हमने रख दिया, वन अपॉन एफ रखेंगे, इसके नीचे वन है, इसके डिनोमिनेटर में क्या है आपका, वन है, तो वह डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर से गुणा हो जाएगा, अंदर का अंदर से बाहर का बाहर से गुणा, तो डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसके डिनोमिनेटर इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि लैम्डा इंटू एफ हो गया, यानी कि तरंग वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, यानी कि वेव लेंथ इज इक्वल टू, सॉरी वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन विद रिकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। ओके, सो यू हैव टू लर्न फॉर फॉर एवर टिल योर प्रिपरेशन, अनटिल एंड अनलेस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटेटिव और इन योर अकेडमिक सेशन टू। ओके, सो यू हैव टू लर्न दिस, इसको आपको याद रखना है हमेशा, कीप रिमेंबर दिस रिलेशन, वेव लेंथ इज इक्वल टू वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग वेलोसिटी यानी तरंग वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू क्या होता है, आवृत्ति, तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति, तरंग वेग इज इक्वल टू तरंग दैर्ध्य इंटू आवृत्ति। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं पर ना समझ में आओगे तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आपको डेफिनेटली आना ही आना है। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, कम ऑन, नोट दिस, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पावर कुछ ज्यादा ही आ जाता है आजकल, कुछ सुनता है कुछ सुनता नहीं तो धुनता है। चलिए क्लास पे चलते हैं, अपने क्या करना है आपको, समतल अप्रगामी तरंग का समीकरण, इसको आपको पढ़ना है। मैं आपको जो होता है क्लास के दौरान नहीं लिखाता हूँ, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है तब मैं आपको समझाता हूँ। तो बाकी मैं आपसे क्षमा याचना चाहूँगा किसी भी गलती के लिए, कोई भी मुझसे मिस्टेक हो जाता है, टेक्निकल मिस्टेक, तो उसको भी क्षमा कीजिएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही ढंग से समझ में आ रहा होगा। यदि आपको क्लास के दौरान में लिखना आप पसंद करते हो, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताइए, ठीक है। तो जहाँ तक है बात, अब जैसे समझते हैं, समतल प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होगा, यहाँ पर जब कोई माध्यम के कण संचरण के समय एक ही तल में आवर्त गति करते हों, ठीक है, क्या है आपका, जब किसी माध्यम के कण संचरण के समय एक ही तल में आवर्त गति करते हों, जैसे एक ही प्लेन में रह के आवर्त गति करते हैं, तो समतल आवर्त गति होगी, ठीक है। यानी कि जैसे कोई माध्यम का कण है वो एक ही तल में रहकर गति कर रहा हो संचरण के समय, तो क्या हो जाएगा आपका, फिर एक ही समय में एक ही तल में आवर्त गति करते हों, तो उत्पन्न तरंग जो होगी वो समतल आवर्त प्रगामी तरंग होगी। समतल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं उत्पन्न तरंग को, समतल आवर्त प्रगामी तरंग कहते हैं। तो अगर आप देखिए यहां पर ध्यान से, कोई भी कण है एक ही प्लेन में अगर मूव कर रहा है, तो जो मूवमेंट होगा उस कण का उस माध्यम में, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे आपको, समतल आवर्त प्रगामी तरंग, यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। वो क्या होगा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होगा, यानी एक ही प्लेन में इफ एनी पार्टिकल्स इज मूविंग ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ वेव इन द सेम प्लेन, देन दैट मूवमेंट विल नोन एज प्लेन प्रोग्रेसिव वेव।
यानी कि समतल प्रगामी आवर्त प्रगामी तरंग होगा। समतल क्यों होगा? क्योंकि एक ही प्लेन की बात हो रही है, आवर्त मतलब पीरियडिक मोशन है, प्रगामी तरंग यानी प्रोग्रेसिव वेव जो हो रहा है ऊपर, प्रोग्रेसिव वेव नाम दिया गया, ठीक है। तो आप समझते हैं, परंतु यहाँ पर कण उत्पन्न कला जो होगा प्रत्येक कण के लिए अलग अलग होगी। जैसे कि अब मान लीजिए कि आप यहाँ पर कई लोग बैठाए गए हैं, ठीक है, कई लोग यहाँ पर बैठाए गए हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कई लोग यहाँ पर बैठाए गए हैं। अब कहा जा रहा है सबसे कि आप लोग क्या कीजिए, साथ में उठिए और साथ में बैठिए। यानी कि अगर ये उठ रहा है, ये उठकर बैठ जा रहा है, तब आपको उठना है। यानी कि जैसे ये उठ गया है, बैठने को चल रहा है, तब आपको उठना है। यानी ये उठ गया तो ये उठा, ये बैठने को है तब ये उठा, फिर उसके बाद में ये बैठने को है तब ये उठा, अब ये उठेगा फिर ये उठेगा, तो यानी ऐसे वेव बनेगा। ऐसे ही प्रत्येक आदमी के कारण ही वेव बनेगा। तो जो वेव बनेगा, मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि जब आप यहाँ पर वेव का रूप धारण करेगा, वही उठना बैठना प्रत्येक व्यक्ति का अपने ही स्थान पर एक ही प्लेन में उठना बैठना क्या कहलाएगा, वो तो आपका पार्टिकल जो है एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, लेकिन उसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, वेव उत्पन्न हो रहा है, वो वेव समतल आवर्त प्रगामी तरंग का रूप धारण करेगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से एक बात समझिए कि मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए, अभी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। देखिए ये हो गया मेरा मार्कर, ठीक है, अब ये मार्कर तीनों एक ही फेज में है। अब मैंने इसको उठाया, फिर इसको उठाया, फिर इसको उठाया। आप सिंपल सा पिस्टन को देख रहे होंगे, जब इंजन कहीं पर चलता है, आप तेल निकलवाने जाते हैं सरसों, तो पिस्टन एक उठता है तो एक बैठता है, ऐसे ऐसे से, तो क्या होता है, ऐसे 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 वेव नहीं बन जा रहा है। यहाँ पर ही देखिए, आप देखिए, आप जैसे ये कभी कभी ये उठ रहा है, कभी ये बैठ रहा है। जैसे मान लीजिए ये उठा, फिर 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 ये उठा, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, वेव बन रहा है। लेकिन ये पीरियाडिक होना चाहिए, पीरियाडिक कहने का मतलब मेरे ये होना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये उठा, उसके बाद में ये उठे, फिर ये उठे, फिर ये बैठ जाए, फिर ये उठे, 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 फिर ये उठे। यानी कि इनके बीच में है तो तीनों एक ही, देख लीजिए एक ही प्लेन में है कि नहीं है, एक ही प्लेन में है, ठीक है, एक ही लाइन में है, प्लेन मतलब एक तल, तो एक ही तल में है। लेकिन इनका जो कलांतर जो है, फेज डिफरेंस है, वो अलग अलग है कि नहीं, क्योंकि ये उठ रहा है तब ये उठकर बैठने चल रहा है तब ये उठ रहा है, फिर उसके बाद में ये नीचे जा चुका है तब ये उठ रहा है। इसका मतलब यह है तीनों अलग अलग कला में है, तो कलांतर क्या हो जाता है, उनका अलग अलग होता है। यानी कि उनके कला, प्रत्येक कण का जो कला होता है, यानी कंपन की कला जो होती है, वो अलग अलग होती है। यहाँ पर पार्टिकल है तो इनकी कला अलग है, इनकी कला अलग है, इनकी कला अलग है, प्रत्येक कण की कला अलग होती है। लेकिन किस कल की कला सेम होती है, जो कल अपने एक आवर्त कंप्लीट कर लेते हैं, अपना एक आवर्त कंप्लीट कर लेते हैं, उनका प्लेन भी सेम हो जाता है और उनका फेज भी सेम हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कण यहाँ से यहाँ तक एक आवर्त अपना कंप्लीट कर चुके हैं, एक रिवोल्यूशन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो जो कण यहाँ पर होंगे इनका क्या होगा, इनका प्लेन तो सेम होगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इनका फेज भी सेम होगा, यानी इनकी कला भी समान होगी। अब कोई भी ऐसा समीकरण जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी माध्यम के प्रत्येक कण की सरल आवर्त गति को प्रदर्शित करता हो, उसे समतल तरंग समीकरण कहते हैं। जैसे किसी कण के कंपन का जो विवरण है, वो किसी माध्यम में ऐसा दिया जाए, यानी कि वो माध्य स्थिति से x दूरी पर कोई कण अगर कंपन कर रहा है, माध्य स्थिति से मान लीजिए यहाँ पर माध्य स्थिति इधर की ओर, अब यहाँ पर है अगर कंपन कर रहा है, या फिर आप ऐसे समझिए, ये हो गया आपका मेन पोजीशन, ये हो गया मेन पोजीशन, कोई पार्टिकल यही पेंडुलम यहाँ पर आ जा रहा है, तो यही पेंडुलम यहाँ से यहाँ पर x बराबर जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर जीरो, यहाँ पर कितना डिस्प्लेसमेंट है, a जीरो है, a है मान लीजिए, x बराबर कितना है, a है, या फिर आप x ही मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है, x, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने x मान लिया। तो ये पार्टिकल, अगर यही पार्टिकल यहाँ पर मूव कर रहा है, यानी किसी इंस्टेंट पर, किसी क्षण मतलब इंस्टेंट इट एट एनी इंस्टेंट इफ पार्टिकल इज स्टेइंग हियर, यानी कुछ क्षण के लिए यहाँ पर रुक रहा है, तो यहाँ पर जो है इस क्षण के रुकने का, यानी यहाँ से यहाँ तक आने का जो समीकरण होगा, वही तरंग समीकरण कहलाएगा, वही आपका क्या कहलाएगा, तरंग समीकरण यानी वेव इक्वेशन कहलाएगा। मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी कण के कंपन की प्रकृति भी समान होती है, मूल बिंदु पर स्थित कण के केवल अंतर, ठीक है, यानी कि किसके समान होती है, मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी कण के प्रकृति भी समान होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एक कण था, तो वही कण तो यहाँ पर आएगा, यानी यही पार्टिकल तो यहाँ पर आ गया है मूवमेंट के पश्चात, यानी आफ्टर द मूवमेंट दिस पार्टिकल इज
स्टेइंग हियर आफ्टर एट एनी इंस्टेंट, यानी किसी क्षण पे स्टे कर रहा है, यहाँ पर रुक रहा है, तो यही पार्टिकल तो है, यानी यही पार्टिकल है, इनका नेचर भी सेम होगा, बट डिफरेंस क्या होगा, उन पर डिफरेंस इतना ही होगा कि मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित किसी कण, यानी कि यहाँ से x दूरी पर मान लीजिए यहाँ पर स्थित कोई कण है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या होगा, समय का डिफरेंस होगा, समय कंपन करना प्रारंभ करता है, यानी कि यहाँ से कंपन का प्रारंभ करेगा, मान लीजिए यहाँ पर टी समय पर प्रारंभ किया था, तो यहाँ पर टी बराबर यहाँ पर कितने समय पर कंपन प्रारंभ करेगा, मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है, यहाँ तो मैंने आवर्त काल के सिंपल पेंडुलम के लिए मैंने आपको बताया, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि हो गया आपका ये कोई कोई कण यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, ऐसे, तो ये कण टी समय पर स्टार्ट किया, तो ये कण कितने समय पर स्टार्ट होगा, क्योंकि ये कण स्टार्ट करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, फिर ये स्टार्ट करेगा, यानी यहाँ से के बीच में कितना दूरी है, यानी कि जितना दूरी पर डिपेंड करता है, यानी दूरी पर डिपेंड करता है कि कितने समय बाद ये स्टार्ट करेगा मूवमेंट अपना, यानी कि अपना संचरण कितने समय बाद स्टार्ट करेगा, तो वो किस पर डिपेंड करता है, दूरी पर डिपेंड करता है भाई। जितना जैसे मान लीजिए आपके बगल में कोई बैठा है, पहले आप खड़े हो गए, फिर बैठने चले, तब वो उठा, फिर वो बैठने चला, तब दूसरा उठा, फिर वो बैठने चला, फिर तीसरा उठा, तो ये आपके और आपका फ्रेंड मान लीजिए कुछ दूरी पर बैठा, तो वो दूरी पर डिपेंड करता है, अगर आपके बगल में ही बैठा है तो आपके उसके बीच में समांतराल कम होगा उठने बैठने का, यानी आप उठे तुरंत वो उठ गया, आप बैठने चले तुरंत वो उठ गया, लेकिन अगर वही फ्रेंड आपसे दूर बैठा दिया जाए तो आप पर आपके उठने और उसके उठने पर डिफरेंस कितना होगा, समय का डिफरेंस होगा, और समय कितना लगेगा वो दूरी पर डिपेंड करेगा, ठीक है। यानी कि आप उससे ज़्यादा दूर हैं तो वो कब उठेगा ये उस दूरी पर डिपेंड करता है, तो यानी कि वो कब उठेगा, यानी कब उठा, यानी उसके बीच में उसका मूवमेंट कब स्टार्ट होता है, वो कब उठता है, वो कब मूव करना स्टार्ट करता है, वो कब कंपन करना स्टार्ट करता है, वो कब दोलन करना स्टार्ट करता है, दिस इज डिपेंड ऑन, इट्स डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड हिज और हर, ओके। सो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए आपने टी समय पर अपना मूवमेंट स्टार्ट किया, और वो कितनी दूरी पर, वो कितने समय बाद स्टार्ट करेगा, तो समय कैसे निकालेंगे, समय अगर आपको निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी मान लीजिए आपसे और उसके बीच में कितना दूरी है, मान लीजिए आपका ये है और उसका पोजीशन x है, तो इसके बीच की दूरी कितनी है, x दूरी है, और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है अपना मूवमेंट, तो वो ये हो जाएगा आपका समय, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो उसकी दूरी आपके बीच और उसकी, आप और उसके बीच की दूरी x है, वेलोसिटी उसकी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेलोसिटी v है, तो उसका समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, यानी कि ये इतना हो जाएगा, यानी इतना समय पश्चात वो क्या करता है, कंपन करना प्रारंभ करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है अब तक तो फिर से समझिए एक बार, कि संचरण कण के, देखिए कण के जब किसी माध्यम के कण एक ही माध्यम में संचरण करते हैं, संचरण के समय एक ही माध्यम में दोलन करते हैं, कंपन करते हैं, तो वो प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का रूप धारण करेंगे। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव में जो होता है वो आपका संचरण जो होता है प्रत्येक कण के लिए, बस क्या होता है उनका कला जो होता है वो अलग होता है। कला कैसे अलग हो, क्योंकि मान लीजिए कोई भी कण है, फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी कण है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में आप देखते होंगे कि यहाँ पर जब कोई भी ऐसे एक नदी सा होता है, उसमें स्विमिंग पूल टाइप का होता है, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें एक लहर सा उत्पन्न किया जाता है किसी डायनमो के द्वारा, तो वो जब लहर आती है तो उसमें अपने ही स्थान पर व्यक्ति रहते हैं, बस वो क्या करते हैं, उठते बैठते हैं, यानी वो सबको ऐसे लहर की तरह, वेव की तरह जनरेट कर देती है। तो पार्टिकल्स यानी आप आदमी के रूप, आदमी को पार्टिकल्स मान लीजिए, आदमी अपने ही स्थान पर ऐसे करते हैं, बस वो इतने आदमी रहते हैं कि वो किसका रूप धारण कर लेता है, किसी वेव का, या किसी आप स्टेडियम में देखे होंगे कोई भी जब झंडा लेकर ऐसे बहुत सारे ऐसे वेव का रूप धारण करते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी वो अपने स्थान पर खड़ा होते हैं, बैठते हैं, तो जिससे वेव का रूप धारण होता है। लेकिन प्रत्येक आदमी का जो फेज होगा, प्रत्येक आदमी की जो कला होगी वो क्या होगा, अलग अलग होगा, इसी कारण से यहाँ पर नाम दिया गया है। परंतु यहाँ कंपन का प्रत्येक कंपन की प्रत्येक कण का प्रत्येक कण के लिए जो कला होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। प्रत्येक यहाँ पर कंपन की कला जो होती है, कंपन की कला प्रत्येक कण के लिए अलग अलग होती है, लेकिन वो रहते किस फेज में रहते हैं, एक ही फेज में, यानी एक ही प्लेन में, सॉरी एक ही प्लेन में रहते हैं, लेकिन फेज उनका अलग अलग होता है। किस कण का फेज समान होगा, क्योंकि आप मान लीजिए उठे, उसी समय कोई और व्यक्ति उठ रहा है आपसे कुछ दूरी पर, यानी कि आपका और उसका प्लेन भी समान है, समतल भी समान है, जिस तल में आप बैठे हैं वो भी समान है, और उसका और आपका कला भी समान है। कला कब समान होगा, जब कोई पार्टिकल अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ है और कोई पार्टिकल यहाँ है, तो ये पार्टिकल समझिएगा आप, ये पार्टिकल जो है दोनों सेम पोजीशन पे है, ठीक है,
नहीं समझना है, ये पार्टिकल दोनों सेम पोजीशन पे हैं। अरे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा ना, वो हो जाएगा क्या कहते हैं, मतलब ओवर फ्लो कर देगा, पढ़ लोगे तो, यही तो बात है। जब ये पार्टिकल्स क्या हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, तो प्लेन तो सेम ही सेम है, लेकिन क्यों सेम है इनका कला, कला भी सेम है। कला मतलब वो किस पोजीशन पे हैं, यानी कि ये पार्टिकल्स भी यही पोजीशन पे है और ये भी पार्टिकल्स इसी पोजीशन पे हैं, दोनों पार्टिकल सेम पोजीशन पे हैं। अगर ये पार्टिकल सेम पोजीशन पे हैं, यानी ये भी समान दूरी, ये भी समान समय पे खड़ा हो रहा है, ये भी समान समय पे खड़ा हो रहा है, यानी ये जब वही पार्टिकल्स, एक वही पार्टिकल्स कह लें या फिर कोई दूसरा पार्टिकल्स एक ही अवस्था में खड़े हो जाएं, वही क्या हो जाएगा आपका, वो आपका जो कला हो जाएगी वो भी समान हो जाएगा। लेकिन अगर इस पार्टिकल का और इसके बगल वाले की बात की जाए, तो दोनों डिफरेंट डिफरेंट फेज में है, डिफरेंट डिफरेंट कला में है। समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आया, कहाँ से समझ में आएगा, जब दिमाग लगाओगे ही नहीं तब कहाँ से समझ में आएगा, बताइए। जब कोई पार्टिकल, जैसे मान लीजिए सब पार्टिकल्स हैं, तो ये कभी, ये अभी खड़ा हुआ है, ये उससे ऊंचाई पर 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 है, ये उससे ऊंचाई पर, ऐसे ऐसे तो बन रहा है वेव का रूप, तभी तो धारण होगा ऐसे ऐसे तो, यानी कि ये वेव वेव हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, वेव हो गया। तो कहा जा रहा है कि कला क्या होता है, फेज क्या होता है। फेज आपका होता है, जैसे यहाँ पर जीरो पर है, ये भी जीरो पे है, लेकिन इन दोनों का फेज दोनों का समान नहीं है। क्यों नहीं है? इस पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड्स में है। देखिए आप, इस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड्स में है, ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है, लेकिन इस पार्टिकल का डाउनवर्ड्स में है। जैसे यहाँ से होता है आधा दूरी तय करने, आधा टाइम पीरियड होता है T/4, यानी एक चौथाई जैसे टाइम पीरियड होता है, वैसे इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए हर एक चौथाई पर, आवर्त काल के एक चौथाई भाग पर उनका डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज होता है। इसको आप याद रखिए, ये या आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बन सकता है कि आवर्त काल के किस भाग पे कण का, कण की दिशा बदल जाती है, तो T/4 पर बदल जाती है। कैसे, आप यहाँ पर देखिए, कोई भी पार्टिकल्स है ऐसे है, वेव कर रहा है, तो यही पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा आपका, यही कण जो हो जाएगा वो नीचे की तरफ डायरेक्ट हो जाएगा, तभी तो नीचे आएगा यहाँ पर। अब ये मीन पोजी मैक्सिमम पोजीशन पे पहुँच गया, ये नीचे की तरफ डायरेक्ट हो गया, देखिए नीचे की तरफ डायरेक्ट हो गया, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर जीरो, यानी फेज समान नहीं है। आपको लग रहा है समान, लेकिन समान नहीं है। क्यों नहीं समान है? क्योंकि इनका डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा है, देखिए नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे ये मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंचा, इसकी डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ हो गई, ये डायरेक्शन फिर से ऊपर की तरफ हो गई। अब यहां पर जो कण है, देखिए ध्यान से, यहां पर, डोंट मेक नॉइज, यहां पर जो दोनों कण हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर जो दोनों कण हैं, इन दोनों कण का जो फेज है, इन दोनों कण का जो, कण की जो कला है वो क्या है, समान है। इन दोनों कण की जो कला है वो क्या है, समान है। क्यों समान है? क्योंकि यहां पर भी जो कण है वो भी ऊपर की तरफ दृष्ट है, और यहां पर भी जो कण है वो क्या है, ऊपर की तरफ दृष्ट है। दृष्ट मतलब डायरेक्ट है। तो यानी कि समझ में आ गया आपको, बताइए। हैं कई कण, ये अलग अलग है, चाहे एक ही कण ले लीजिए, अगर कई कण हैं तो बगल बैठे हुए हैं, लगे हुए हैं, सटे हुए हैं, अगर एक कण है तो वो मूव करता हुआ यहाँ पर आया तब चेंज होगा। यानी कि कण की कला कब समान होती है, जब वो अपना एक टाइम पीरियड पूरा कर लेते हैं, तब, जब वो अपना एक आवर्तकाल कंप्लीट कर लेते हैं, तब उनका जो होता है कला समान होती है। समझ में आ रहा है? और दिशा कब बदलती है, T/4 पर, देखिए यहाँ पर मैक्सिमम था, अब ये नीचे की तरफ डायरेक्ट हुए, तभी तो वेव नीचे आ रहा है। यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आप बात की बात करें, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया आपका, देखिए ध्यान से, ये हो गया आपका, ये हो गया यहाँ पर दृष्ट हो गया, ठीक है, कोई दीवाल हो गया, ये आपका पेंडुलम हो गया, तो यहाँ पर गया, तो यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए हम, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब आयाम बोलते हैं। क्यों आयाम बोलते हैं? क्योंकि कण की माध्य अवस्था से उसकी मैक्सिमम दूरी जो कवर करती है एक तरफ जाने में, उसको क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पर कण की दिशा इस डायरेक्शन में थी, तो यहाँ से, अब टाइम पीरियड का पूरा होगा, इसका टाइम पीरियड का पूरा होगा, जब यहाँ से, देखिए कण, कण यहाँ से यहाँ गया पहला, फिर यहाँ से आया दूसरा, फिर यहाँ से आया तीसरा, फिर यहाँ पर आ गया चौथा, यानी यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया। तो पहला पथ कौन सा है, देखिए पहला रास्ता ये है, फिर दूसरा रास्ता ये है, फिर तीसरा रास्ता ये है, फिर चौथा रास्ता इसी की तरफ, अपने विरामावस्था की तरफ। विरामावस्था मतलब साम्यावस्था, जो पहले था, विरामावस्था मतलब जहाँ पर रुका था, आपने मूव कराना स्टार्ट किया, तो ध्यान से देखिए, सटअप,
देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब कर्ण विरामावस्था में था, ठीक है, विरामावस्था में था तो इधर मूव किया, तो यानी कि टोटल कितना पार्ट हुआ, चार भाग हुआ, और चार भाग में ये क्या कर रहा है, अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है, चार भाग में तो अपना एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो जब एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। एक चक्कर में जो, पढ़ लो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कसम से बता रहा हूँ, कि जो एक चक्कर पूरा करने में जो कण द्वारा समय तय किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपका टाइम पीरियड, आवर्तकाल। तो इसमें कितना पार्ट में तय किया, चार पार्ट में तय किया, तो अगर चार से डिवाइड कर दें पूरे समय को तो एक भाग वाला निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, यानी क्योंकि चार बराबर दूरी है, बराबर ही दूरी तो है, कोई जितना इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा बैलेंस करने के लिए। आप किसी चीज़ को मूव करा के देख लीजिए, अगर उस पर आप इधर गया तो इधर से आप धक्का नहीं दे रहे हैं दोबारा, तो उतना ही दूरी पर जाएगा, समझ में आ रहा है आपको, यानी जितना दूरी इधर गया उतना ही दूरी इधर जाएगा। तो दूरी बराबर है तो दूरी पूरा चार चक्कर लगा, मतलब चार भाग में एक चक्कर पूरा कर रहा है, चार पार्ट में, यहाँ से यहाँ गया एक दो तीन चार, अब एक चक्कर पूरा हुआ, चार भाग में एक चक्कर पूरा हुआ, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को मैंने चार से डिवाइड किया तो एक भाग का समय निकल आया, यानी यहाँ से यहाँ तक गया पहले पथ का समय निकल आया। तो यहाँ से यहाँ तक गया तो दिशा समान थी, अलग थी दूसरी दिशा, यहाँ से यहाँ तक लौटा दिशा बदल गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गया दिशा इसके समान हो गई, यहाँ से यहाँ तक लौटा तो दिशा पहले वाले के समान हो गई, यानी कौन कौन सी दिशा समान है, पहला और चौथा और दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर वेव, यही इसी चीज़ का वेव हमने यहाँ पर बनाया है, ध्यान से देखिए आप कैसे देख पा रहे हैं, पहले ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ तक, फिर उसके बाद में यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऊपर तक की तरफ, यहाँ से नीचे की तरफ देखिए, फिर यहाँ से नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, यानी कि आधे भाग में। तो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगेगा, कैपिटल टी, और यहाँ तक इसकी इसका टाइम पीरियड टी बाई फोर, इसका टी बाई फोर, अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, टी बाई यहाँ पर यहाँ तक कितना हो जाएगा टाइम पीरियड, टी बाई टू हो जाएगा, आधा, यहाँ पर चौथाई है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधा, यहाँ पर थ्री टी बाई फोर हो जाएगा, कितना, थ्री टी बाई फोर, और यहाँ पर कैपिटल टी यानी पूरा टी हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर तीसरा भाग है, यहाँ पर एक चौथाई है, यहाँ पर आधा है, यहाँ पर तीसरा भाग है यानी थ्री टी बाई फोर, और यहाँ पर यानी फोर टी बाई फोर, यहाँ पर फोर टी बाई फोर, जैसे यहाँ पर टी बाई फोर कैसे बना, यहाँ पर चौथा भाग है ना, यहाँ पर आधा हुआ, यहाँ पर थ्री टी बाई फोर, यहाँ पर टी बाई फोर, फोर टी बाई फोर यानी फोर फोर कैंसिल टी बचा। तो आपको समझ में आ रहा है कि यानी पहला डायरेक्शन और फोर्थ डायरेक्शन यहाँ पर भी समान है, मजा आ गया आपको, पहला डायरेक्शन और फोर्थ डायरेक्शन समान है, और दूसरा डायरेक्शन और तीसरा डायरेक्शन आपस में समान है, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर समझाया। तो मैं आशा करता हूँ ये सिंपल पेंडुलम बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा आपको, अगर आपने मन लगा के पढ़ा होगा, और अभी अगर आप जाग रहे हैं, जब जागो तभी सवेरा, तो पीछे जाके पढ़ लीजिए फिर से वीडियो में, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका टाइम पीरियड। अब यहाँ पर बात की जाए अगर आवर्त, ठीक है, तो समय पश्चात, अब देखिए मैं बता रहा था कि कण जो है यहाँ से यहाँ तक के बीच में जो कण का जो कला होगा, जो कला होगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कण की कला दूसरी है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, यहाँ पर दूसरा है, क्यों, यहाँ पर डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ है, और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, जीरो है, जीरो से तो स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पे जीरो कितना होता है, एक्स एक्सिस पे जीरो, ये वाई एक्स का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मूल बिंदु है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, जीरो से स्टार्ट हो रहा है और डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यहाँ पर तो जीरो है लेकिन जीरो नीचे की तरफ है, यहाँ पर जीरो मुझे मिल रहा है जो कि फिर से ऊपर की तरफ, यानी ये कण और ये कण चाहे समान कण चल के कुछ देर के बाद गया हो, चाहे दूसरा भी कण हो, क्यों ना हो, तो इन स्थिति, इन दोनों की स्थिति, प्लेन भी समान होगा, तल भी समान है और कला भी समान है, तो ये हो गया। लेकिन अगर और सब की कण की बात की जाए, इसके सिवा और सब कण डिफरेंट डिफरेंट कला में होंगे, भिन्न भिन्न फेज में होंगे, समझ में आ रहा है आपको, आगे चलते हैं। अब देखिए हमने मान लिया फाई क्या है, मूल बिंदु पर कंपन करते हुए कण की प्रारंभिक कला का कोण है, ठीक है, यानी मूल बिंदु पर अगर कंपन कर रहा है तो मैंने फाई नॉट मान लिया, क्या मान लिया, फाई नॉट मान लिया, समझ में आ रहा है आपको, यानी कि कोई भी कण अगर मूल बिंदु पर कंपन कर रहा है तो उसमें मैंने क्या मान लिया, एंगल कितना है, फाई नॉट मान लिया। अगर मूल बिंदु है तो आपको पता है कि मूल बिंदु जीरो कामा जीरो होता है, तो अगर फाई जीरो हो जाए तो इसका समीकरण कुछ यूं हो जाएगा, यानी फाई नॉट जीरो हो गया, यानी वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स माइनस जीरो एक्स अपॉन बी। अब इसको मैंने ओमेगा को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो ये बन गया वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स अपॉन बी, समझ में आ रहा है आपको। और ये कहाँ से आया, ये होता है आपका वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी,
ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है, इसको आप आगे पढ़ेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और टी में मैंने एक्स अपॉन बी क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ये उस कण के लिए है जो कण मूलबिंद पर नहीं है, कहां है, कहां है, कुछ दूरी पर है, कितने दूरी पर है, एक्स दूरी पर है, ठीक है, कहां है, एक्स दूरी पर, मूलबिंद पर नहीं है, एक्स दूरी पर है, मैंने मान लिया। तो इस कण का समीकरण क्या होगा, इस कण का समीकरण हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी, टी मतलब इसके समय, इसका समय बता रहा है कि कितने समय पे ये अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो समय यहाँ पर टी हमने माना, तो यहाँ से कुछ देर बाद तो मोशन स्टार्ट करेगा, तो कितना देर बाद मोशन स्टार्ट करेगा, अब देर कैसे पता करेंगे आप, यानी कितना दूरी पर है ये डिपेंड करेगा, जैसे आप बैठे हैं लाइन से, बहुत सारे व्यक्तियों को बैठा दिया गया, आप खड़ा हुए, आप बैठने चले तो दूसरा खड़ा हुआ, वो बैठने चला हुआ तब तीसरा खड़ा हुआ, वो बैठने चला तब चौथा खड़ा हुआ, आपका कोई फ्रेंड दूर पर बैठा है, तो आप कब खड़े हुए और वो कब खड़ा होगा, इसके बीच में समय कितना है वो किस पर डिपेंड करेगा, दूरी पर डिपेंड करेगा, कि आप और वो कितने दूरी पर हैं, बगल में हैं तो आप खड़ा हुए उसके जस्ट तुरंत बाद वो खड़ा होगा, लेकिन अगर आप वो दूर पर है, ज़्यादा दूरी पर है, तो ये भी हो सकता है कि साथ में खड़े हों, लेकिन अगर साथ में खड़े होंगे तो वही कारण जो मैंने बताया, सेम फेज में होंगे, सेम कला में होंगे, तब साथ में खड़े होंगे, अगर सेम कला में नहीं है तो कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो वो समय कैसे पता चलेगा, किस पर डिपेंड करता है, दूरी x है, मान लिया कितना, मान लिया x, तो समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, या चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय को उधर ले आइए, यानी समय बराबर दूरी बटा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है मान लिया x, और चाल कितना मान लिया v, तो ये भी, ये क्या लिखा है, x अपॉन v, ये समय लिखा है, अगर x अपॉन v की बात की जाए तो क्या लिखा है, ये समय लिखा है, तो ये किसके समय में जुड़ गया, जो प्रारंभिक कण था, जो माध्य अवस्था में था, उसके समय में, इसके समय को मैंने जोड़ दिया, तो क्या पता चल गया, ये उस कण का समय है, ये उस कण के लिए इक्वेशन है, जो कण x दूरी पर है, जो कण माध्य अवस्था से, माध्य अवस्था वाले कण से x दूरी पर जो कण है, उसके लिए इक्वेशन हो गया। अगर इसी इक्वेशन को मैं बात करूं जो माध्य अवस्था में है, मेन पोजिशन पर, तो उसके लिए फाई नॉट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्यों जीरो हो जाएगा, फाई नॉट क्या है, मूल बिंदु से x दूरी पर कंपन करते हुए कण के लिए प्रारंभिक कला है, लेकिन यहाँ पर x, यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए कला क्या होगी, जीरो होगी, इनिशियल होगा, तो यहाँ पर जीरो रख दिया मैंने, तो फाई नॉट जीरो हो गया, ओमेगा को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, ये बन गया। अब आपको पता है कि ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू क्या होता है, वी होता है, ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वी हो जाता है, ठीक है, तो ओमेगा अपॉन, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, इसलिए ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के को उधर ले जाने, के को उधर ले जाएंगे तो ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, तो ओमेगा अपॉन वी के स्थान पे मैंने क्या रख दिया, ओमेगा अपॉन वी के स्थान पे मैंने के रख दिया, तो वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको समीकरण नंबर सेकंड मान लीजिए, ये समीकरण फर्स्ट था, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, जो चीज़ अनरेलीवेंट है उसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आपको नोट वही करना है जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, तो ये हो गया आपका, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो आपको नोट इतना ही चीज़ें करनी है, आगे मैं डराइव करा रहा हूँ, ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैंने ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी होता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, टू पाई अपॉन टी होता है, और के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा होता है, तो अंदर मैंने टू पाई रख दिया, टू पाई मैंने बाहर कॉमन कर लिया, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको इरेज करके फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए आप कि कैसे आया इक्वेशन नीचे वाला, ध्यान से देखिए, के इज इक्वल टू क्या है, देखिए के इज इक्वल, सॉरी वाई इज इक्वल टू क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है, ए साइन, अंदर ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी रखिए, ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी और इंटू स्मॉल टी, और के इज इक्वल टू टू पाई अपॉन लैम्डा, टू पाई अपॉन लैम्डा हमने रख दिया और इंटू एक्स रख दिया, अब आप टू पाई दोनों में है तो कॉमन कर लीजिए बाहर, टू पाई अपॉन अपना बाहर कॉमन करेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए साइन क्या हो जाएगा, टू पाई एंगल में कॉमन, अंदर क्या बचा, टी अपॉन लैम्डा और माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, सॉरी टी, टू पाई अपॉन टी होता है यहाँ पर, टू पाई टी अपॉन टी, टू पाई टी अपॉन कैपिटल टी और अपॉन एक्स अपॉन लैम्डा, तो ये हो गया आपका इक्वेशन, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं, नोट करते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। समतल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण जो है इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समतल आवर्त प्रगामी तरंग का समीकरण है, तो चल ही रहा है, उसमें क्या करना है अब आपको, आगे बढ़ना है और क्या देखना है, अब जो समीकरण दिया गया था आपका थर्ड समीकरण जो निकल कर आया, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स,
इसको आप लीजिए और इसमें क्या डिनोट करना है, यह समीकरण धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा को संचरित अनुप्रस्थ प्रगामी तरंग के समीकरण को प्रदर्शित करता है, यानी एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जो गया, जो मैंने आपको बताया था वेव जो ट्रेवल कर रही थी या फिर सिंपल पेंडुलम को आप देख रहे थे, तो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में जब मूव किया तो वो समीकरण ये हो गया, उसके लिए समीकरण ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। अब अगर जिसके अनुसार तरंग के कणों की कंपन वाई दिशा में है, यानी कंपन जो है वो किस दिशा में है, वाई दिशा में है, जैसे मैंने समझाया आपको, देखिए ध्यान से, जब कण जो है कंपन एक्स दिशा में गया तो कंपन किस दिशा में, देखिए एक्स के पॉजिटिव दिशा में गया तो वाई दिशा में है, कंपन किस दिशा में हुआ, वाई दिशा में, तो हुआ कंपन, तो यानी कि कंपन वाई दिशा में है। यह भी स्पष्ट है कि मूल बिंदु से एक्स दूरी पर स्थित किसी कण के कंपन करते समय मूल बिंदु पर स्थित कण से के एक्स कला कोण पश्चगामी होता है, यानी कि मूल बिंदु से एक्स दूरी के दूरी पर स्थित कण कंपन करते समय, मान लीजिए मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित, जो मैंने अभी आपको बताया था पिछले जो टॉपिक में बताया था कि जो मूल बिंदु से x दूरी पर कोई कण अगर स्थित है तो उससे कितना कोण पश्चगामी होगा, kx कोण पश्चगामी होगा, यानी कि पहले वो उठा तब उसके बाद में वो उठेगा। जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, मैंने अभी एग्जाम्पल दिया ही आपको कि बहुत सारे लाइन में व्यक्ति में बैठे हुए हैं, तो पहले आप उठेंगे तब वो उठेगा, आपका कला आगे है, आपका फेज आगे है, उसके बाद में उसका फेज आता है, तो आपका फेज उससे के एक्स ज्यादा होगा या उसका फेज आप उससे के एक्स कम होगा, यानी उसका फेज होगा के एक्स कोण, के एक्स कला कोण पश्चगामी होगा। एक्स एच के नेगेटिव डायरेक्शन में अनुप्रस्थ तरंग का समीकरण क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये प्लस क्यों हो गया, क्योंकि x दिशा में माइनस जाएंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, क्यों इधर जा रहा तो kx हो गया था, इधर क्या हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये दोनों समीकरण आप रिमेंबर रखिए। आगे चलते हैं, अगर देखते हैं जब विस्थापन dx तरंग संचरण की दिशा x अक्ष के अनुदिश मानते हैं, जैसे हमको मानना है, देखिए कोई व्यापक समीकरण हम निकालते हैं, क्या निकालते हैं, व्यापक समीकरण, व्यापक समीकरण मतलब कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन मान लिया हमने, अब ये दोनों थोड़ी ना लर्न कर पाएंगे, कहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, यानी dx हमने क्या मान लिया, डिस्प्लेसमेंट मान लिया, अगर dx डिस्प्लेसमेंट लेते हुए हमने तरंग का जो इक्वेशन माना वो कण किस दिशा में माना, मैंने x अक्ष की दिशा में माना, क्या माना, x अक्ष के अनुदिश मानते हुए, अगर लिखना है हमें x अक्ष के अनुदिश मानते हुए तरंगत का समीकरण कैसे लिखेंगे आप, संचरण तरंगत का समीकरण, dx इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको आप याद रखिए। तो ये इक्वेशन आप प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए ये इक्वेशन आपका डिराइव हो चुका है, ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए जो इक्वेशन होता है dx इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एस इन द डायरेक्शन ऑफ x, अपोजिट डायरेक्शन में प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब प्रगामी तरंग का समय विस्थापन ग्राफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों में से एक है। तो इफ वी ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एट ए सर्टेन पॉइंट एक्स, ठीक है, यदि हम चाहते हैं, वी वांट टू ड्रॉ, यानी यदि हम चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यानी समय विस्थापन ग्राफ को ड्रॉ करना चाहते हैं एट पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे, पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहते हैं, और किस किस समय पर ड्रॉ करना चाहते हैं, एक्स दिशा के एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए ड्रॉ करना चाहते हैं, और किस समय के लिए, टी बराबर जीरो, टी बाई फोर पर, चौथवें भाग पर, आधे पर, और आधे से यानी तीसरे भाग पर और टी पर, इसके लिए एक्स बराबर जीरो के लिए स्थित, एक्स बराबर जीरो के लिए स्थित कण का समय विस्थापन ग्राफ क्या होगा, उसके लिए समीकरण क्या होगा, एज वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स बराबर जीरो के लिए हमने क्या रख दिया, एक्स बराबर जीरो रख दिया, एक्स बराबर जीरो के लिए मैंने क्या रख दिया, एक्स बराबर जीरो। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होगा, इस इक्वेशन को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू पता है आपको क्या होता है, टू पाई अपॉन टी होता है, टू पाई अपॉन टी होता है, मैंने यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर मैंने ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई अपॉन टी पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन इस तरह से बन गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला इरेज करके मैं आपको नीचे के लिए जो इक्वेशन है प्रगामी तरंग का समय विस्थापन ग्राफ वो मैं ड्रा करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऊपर वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए तब तक।